कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से भक्त राजा था, जा रहा था संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, यहां संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज, वो तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारद जी बोले, सुनो क्या? बोले, सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत करना। महाराज, उन्हें क्यों ना करें? वह हमने कह दिया ना, मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए, मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। गए, सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमाना, सबके बीच में ऐसा अपमान। संतों की सभा समाप्त हुई, सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कहां, इसी समय मिलूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, अभी प्रभु सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। महाराज, क्या हुआ? राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी हैं, जाग कर आए, प्रणाम किया। क्या हुआ? तुम तो सो, तुम्हें क्या पता? अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान हुआ। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। किसने किया? तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा, कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, खलों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा, चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है, अब घबरावे। तब राम जी ही मारे तो बचाए कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत, तो नारद जी मिले नहीं। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा है, प्रकट हो गए, नारायण नारायण, प्रणाम किया। कहो सुकंत, कुशल मंगल? अरे महाराज, काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो लगा ही रहता है ये क्रम। सुकंत बोले, तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, कौन मरना चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे महाराज, भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले, ये और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज, आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का ये फल है, कुछ करो। नारद जी बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले, हां सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, तो एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए, दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है, दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाएं और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंत गए गुफा के द्वार पर, रोने लगी। अंजनी माता बाहर निकली, क्या बात, मां मेरी प्राण रक्षा करो।
आप ही बचा सकती हैं मुझे, विश्वामित्री जी मुझे मरवा डालेंगे कल। विश्वा अंजनी माता बोली मैं वचन देती हूं, तुम शरण में आयो तुम्हारे प्राण रक्षा होगी, बैठो गुफा में। सुकंत गुफा में बैठ गए, अंजनी माता बाहर बैठे। नियमानुसार हनुमान जी आए शाम को, अंजनी माता को प्रणाम किया। मां उदास हो, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोले निकलो बाहर। सुकंत आए, हनुमान जी ने देखा क्यों भाई कौन तुम्हें? राम जी मारेंगे कल। अंजनी माता बोली तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले नहीं वो मरवा डालना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुरे फंस गए। सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा, हनुमान जी आए अयोध्या, सवेरे राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे? राम जी बोले सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले छोड़ दो उसे प्रभु, क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी बोले तो मैंने अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे बचाऊंगा। राम जी बोले तो ठीक है तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी पहले ही चल दिए सुकंत के पास है। चलो, सुकंत बोला कहां? हनुमान जी बोले अब तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, तुम्हें कौन सा ठिकाना बताऊं? ले गए जंगल में, अब सोचने लगे क्या करें। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अब हनुमान जी ने सुकंत से कहा राम राम करो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सुकंत भी दोहराने लगा। अब सुकंत बीच बीच में पूछता, कीर्तन छोड़कर पूछता, हनुमान जी बच जाएंगे हम? हनुमान जी कहते तू दृढ़ विश्वास रख बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करने लगे, फिर सुकंत कीर्तन करने लगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रोता, वो भय से रो रहा था शायद ही बचे। इतनी बड़ी सेना स्वयं भगवान विरोध में, ये दो अक्षर का नाम क्या करेगा? पर हनुमान जी कह रहे थे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रख। राम जी पहुंचे सुकंत के यहां, कहां है राजा? बोले वो तो भाग गया। कौन ले गया? बोले एक बंदर आया था। राम जी समझ गए हनुमान जी होंगे। लक्ष्मण जी से कहा पता लगाओ कहां है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप, अब हनुमान जी का पता हम कहां से बतावें? आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है। भगवान बोले अच्छा ठीक है उस जंगल में वहां चलो। अब गए तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे, सुकंत को पीछे छिपाए हुए, और जो राम जी की सेना देखी धनुष बाण और तैयारियां यहां से वहां, सुकंत कीर्तन करना भूल गया और राम राम तो अब रोना शुरू किया। अब हनुमान जी बहुत कहे तू राम राम कर दृढ़ विश्वास रख, पर वो काहे को? हनुमान जी ने उसे पूंछ में छिपा लिया।
राम जी के बाण चलते, पर नाम कीर्तन का जो चक्र था उसके आगे राम जी का बाण भी विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए, क्या करें। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, तो सुकंद को तो नाम के घेरे में हनुमान जी ने रखा था, स्वयं अलग खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी की छाती पर लगा, बाण लगा हनुमान जी की छाती पर, मूर्छित हो गए राम जी। लक्ष्मण जी को लगा यह क्या तमाशा हुआ, हो सकता है हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर किया हो। पर लक्ष्मण जी ने जाकर देखा, देखा सारथी ने, रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभी तो लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भये, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी ने जो जाकर देखा, पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। क्यों, बोले कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। हनुमान जी के हृदय में तो राम जी, चोट हनुमान जी को लगती है, मूर्छित श्री राम हो जाते हैं। राम जी की मूर्छा दूर हुई, हनुमान जी के छाती में चोट लगी देखी, रक्त बहते देखा, आंख बंद कर ली। राम जी हनुमान जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे। श्रोणित सद्य शरीर सन्यो, दृग अंबु दया निधि के भरि आयो, पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। राम जी ने आंख बंद की, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखें और फिर अपने पास ले आवे, फिर हाथ रखें फिर अपने पास, और सोच रहे थे जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे मैं ऐसे ही हाथ रखता रहूंगा। हनुमान जी ने देखा कि भगवान आंख बंद किए हाथ अपनी ओर ले जाते, फिर हमारे सिर पर रखते हैं, मौका अच्छा है। तो हनुमान जी ने पीछे से निकाला सुकंत को, अपनी गोद में बिठा लिया, और राम जी तो आंख बंद किए थे, जैसे ही दूसरी बार ऐसे हाथ बढ़ाया हनुमान जी पीछे हट गए, सुकंत को आगे कर दिया। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, और देख हंसे रघुनाथ जबे, निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। अब राम जी ने आंख खोली कि ये कौन है, जो देखा सो सुकंत। राम जी हंसने लगे, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु अब सब कुछ आपके ही हाथ में, इसकी मृत्यु भी आपके हाथ में और उसके माथे पर हाथ भी आपने ही रख दिया। राम जी बोले हनुमान जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। तब तक गुरुजी आ गए, हनुमान जी ने इशारा किया कि तब नहीं किया तो अब कर ले प्रणाम, जा दौड़ कर जा। सुकंत प्राण बचा के भागा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, बोले राम इसे क्षमा कर दो, मैंने भी क्षमा कर दिया। क्यों, बोले इसलिए साधु का काम तो सुधार है, संघार नहीं, मिटाना नहीं चाहते थे, मोड़ना चाहते थे, मुड़ गया ठीक है। सुकंत की जान में जान आई, प्राण बचे। अब पूछा कि सुकंत संत को प्रणाम नहीं करने की दुर्बुद्धि ये तुम्हें किस कुसंग में मिली थी। सुकंत ने कहा कि महाराज क्षमा करना, कुसंग में नहीं सत्संग में ही मिली थी। कौन संत के संग में, सुकंत नाम लेने वाले थे तब तक नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। नारद जी बोले मैंने ही कहा था। भगवान बोले धन्य हो ये लीला, क्योंकि नारद जी बोले मैं जहां जहां जाता था लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। मैं किस किस को उत्तर देता, मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दो कि लोग अपने आप समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान नाम की महिमा।